दोस्तों ये मैगजीन जो है 1991 से शुरू की थी डॉक्टर साई कृष्णन ने। हम सॉफ्ट डिस्क आज सुन रहे हैं, बहुत फेमिलियर है सॉफ्ट और डिस्क दोनों से। 1991 में सॉफ्ट डिस्क समझना खासतौर पर मध्य प्रदेश के लोगों को एक अजूबा जैसा लगता था। डॉक्टर साई कृष्णन ने उससे पहले फिजिक्स से एमएससी करने के बाद अमेरिका के लॉस एल्टोस से एक ऐसे विषय में पीएचडी करी जो आज भी हम लोगों को एक चुनौती जैसी बात लगती है। डॉक्टर साई कृष्णन ने ट्रांजिस्टर फॉर टॉलरेंस कंप्यूटिंग में इस विषय पर पीएचडी की, जिन्होंने 97-98 में को अवार्ड भी। हमेशा से उन्हें सपना था कि वो अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। उस जमाने में आज देखिए सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और तमाम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो पूरा का पूरा मार्केट सॉफ्ट स्मार्टफोन्स पे जा रहा है। जब फॉर्ड्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स की बात आ रही थी उस जमाने में डॉक्टर साई ने उस विषय पर पी एच डी करी और उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर थे, बहुत बड़े बड़े ऑफर थे। हम आज भी समझ सकते हैं कि गूगल उस वक्त किस हाल में रहा होगा, सैमसंग उस वक्त किस हाल में रहा होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उस जमाने में उन्होंने अमेरिका का वो शहर जहाँ उनको पी एच डी करने का मौका मिला, जहाँ से आज पूरी दुनिया और छोटे छोटे कोने डॉक्टर साई कृष्णन मध्य प्रदेश वापस आए। उनके ऊपर जैसा था कि मुझे उन लोगों को वो तकनीक, उन लोगों को वो बातें बतानी है, समझानी है जिन लोगों तक तकनीक बहुत साल बाद पहुंचे। आपने नाम सुना होगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको NIC बोलते हैं। भारत की हर सरकारी वेबसाइट NIC से जुड़ी हुई है, NIC। सारा डाटा, सारी योजनाएं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो NIC के थ्रू ही हो रही हैं। सारा डाटा जो भी बन रहा है, फीड हो रहा है, NIC के थ्रू ही हो रहा है। उसका जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो डॉक्टर साई कृष्णन ने बनाया है। और उस जॉब को जब हमको लगा कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं लोगों तक जागृति फैलाऊँ कंप्यूटर, IT, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी पहुँचाऊँ, जब उनको लगा कि ये एक बाधा बन रही सरकारी नौकरी, तो उन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। और तब से लगातार हम सॉफ्ट डिस्क को लेकर आगे बढ़े। दोस्तों लगा कि ग्रामीण इलाकों में जब लगा कि गांव वाले इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, जब हम गांव जाते थे अपनी मैगजीन लेके तो बोलते थे साहब तो इंग्लिश में है और क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। प्रोफेसर टीचर्स हमें फीडबैक देते थे कि आप हिंदी में निकाल देते हो, हमको समझ में नहीं आता। बहुत ही टफ होता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, तो यदि बहुत कॉमन है सब जानते हैं संगणक, पर कंप्यूटर और संगणक में जो अंतर है, जो बीच का रास्ता है, उसको भरने के लिए बहुत समय लगता है। और बड़ी खुशी होती है जब आपका एक प्रयास, आपकी एक बात लोगों तक पहुंचते है। मध्य प्रदेश सरकार में और मध्य प्रदेश के प्रशासन तंत्र में जो लोग बैठे हैं उन्होंने हमारी बात को समझा और हमें मौका दिया कि हम मध्य प्रदेश के हजारों स्कूलों तक, हजारों स्कूली बच्चों तक हमारी मैगजीन पहुंचा सके। हम बहुत आभारी हैं राज्य शिक्षा मिशन के जो हमें एक मौका दे रहे हैं, जो हमें एक माध्यम बना रहे हैं, जो बहुत तेजी से बदल रहा है एक क्षेत्र जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, IT इंडस्ट्री कहते हैं, IT क्षेत्र कहते हैं, वो बदल रहा है। ऐसा बदल रहा है जो किस दिशा में जाएगा अभी आज कहना बड़ा मुश्किल है।
गांव गांव और ग्रामीण बच्चों तक पहुंचाने का काम हमारी हिंदी मैगजीन जिसका नाम भी हमने स्वाडिस ही रखा है वो कर रही है। ये मैगजीन साल में एक बार पूरे मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे लोग जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनसे बात करती है और एक सर्वे करती है, उनसे डाटा कलेक्ट करती है और उसका एनालिसिस करती है। बहुत उतार चढ़ाव है, कोई एक सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई एक सेगमेंट में बहुत बुरा काम कर रहा है, किसी को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है, लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है। वहीं दूसरे क्षेत्र हम देखते हैं, सपोज जबलपुर में अगर डेस्कटॉप बहुत अच्छे से बिक रहे हैं तो इंदौर में डेस्कटॉप नहीं बिक रहे हैं, अगर भोपाल में लैपटॉप बिक रहे हैं तो ग्वालियर में स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं। और हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव है, हर व्यक्ति का एक अपना माइंडसेट है कि नहीं नहीं आप डेस्कटॉप लीजिए बहुत अच्छा है। जो ग्रामीण इलाके हैं से मंडला है, डिंडोरी है, जब हम वहां जाते हैं तो लोग स्मार्टफोन की बात नहीं करते, वो डेस्कटॉप की बात करते हैं। साहब कंप्यूटर देना है, बच्चों को कंप्यूटर दिलाना है, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है, वो स्मार्टफोन ये जो लेटेस्ट टेक्निक आई है उसकी बात नहीं करते। तो हम वहां भी सर्वे करते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको भी परखते हैं, उनकी बात भी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो साल में एक बार काम करते हैं खास एक मैगजीन बनाने का, एक खास विशेषांक बनाने का जिसका आप लोग अभी आपके सामने उसका विमोचन होगा, उस मैक्सिमम तमाम बातों को इम्प्रूव करें। दोस्तों लगातार जो है आईटी इंडस्ट्री के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं। कभी कंप्यूटर ही हुआ करता था, एक डेस्कटॉप हुआ करता था, एक सीपीयू हुआ करता था, एक मॉनिटर हुआ करता था, एक कीबोर्ड हुआ करता था, एक माउस हुआ करता था। हम माउस की बात करते थे, साहब माउस आ गया है, ऑप्टिकल माउस आ गया है, वो जमाना धीरे धीरे एकदम बदल रहा है। हम देखते हैं कि जब लैपटॉप आया तो पूरा मार्केट लैपटॉप की तरफ चला गया, लोग डेस्कटॉप की बजाय इंक्वायरी जो है हमारे पास लैपटॉप की भी आने लगी। लगता है कि लैपटॉप जो है वो अब पूरे मार्केट को कवर कर लेगा, लैपटॉप के बाद कुछ नहीं आने वाला है, जो भी है बस लैपटॉप है, हमें तो लैपटॉप पे कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों आज लैपटॉप से भी आगे की चीज आ गई है और आने वाले दिनों में उससे भी आगे की चीज आ जाएगी। जो रिसर्च हो रही है, जो सोच आगे बढ़ रही है, वो किस दिशा में जाएगी वो भी हम आपको आज बताएंगे। हमने उसका भी सर्वे किया है, डॉक्टर साई कृष्ण के सारे दोस्त को इंडिया में नहीं था, उनके सहपाठी उनके क्लास फेलो कोई इंडिया में नहीं है, दो लोग कुछ काम कर रहे हैं अलग, बट मोस्टली सब बाहर हैं और सब इसी इंडस्ट्री के ऐसे जानकार हैं, ऐसे मास्टर्स हैं जो गवर्न कर रहे हैं इस इंडस्ट्री पर। जब मैं शुरुआत करी थी सॉफ्टवेयर की तो नेचुरली ध्यान हमारा कंप्यूटर पे था और उसको हमने आज भी अपने फोकस से दूर नहीं किया, पर जो समय हमारा बीता 91 से आज 2014 के बीच का समय जो है, इसमें जो वेरियस ट्रेंड्स आए, जो चुनौतियां आई, जो बदलाव सामने आए, उनको भी हमने अपनी मैगजीन में शामिल किया। समय के साथ ये देखा गया कि जो पावर है लड़ाई उसी की, कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, और ये जो पावर है ये हमें एक दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे जगह ले जाएगा जब सबकी ही लड़ाई होगी। पावर को कैसे स्टोर किया जाए, पावर को कैसे रिजनरेट किया जाए, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी पाई जाए, इसके लिए अब पूरी दुनिया जो है सभी बिग माइंड्स जो है उसी में लगे हुए। बस छोटी सी बात है कि हम आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, बैटरी चली जाती है, हम उसको इतना यूज करते हैं वो बार बार बताता है सॉफ्टवेयर आने कि आपको आपका मोबाइल बैटरी कम यूज करे,
सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं और इस जनरेशन में ऊर्जा एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसको भी हमने अपना प्राइम फोकस में रखा और इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहे हैं कैसे बदलाव हो रहे हैं इस पर हम एक पावर इशू भी निकालते हैं और इंग्लिश में निकालते हैं इंग्लिश में इसी का एक हमारा स्पेशल इशू होता है पावर इशू जिसमें पूरे देश साउथ एशियन कंपनीज किस दिशा में जा रही हैं उनके सामने क्या टारगेट्स हैं उन्होंने पिछले साल क्या अचीव किया आने वाले समय में क्या ट्रेंड साइन में इनको फोकस करके उन पर बात करते हैं दोस्तों हमने बहुत थॉरली इस बार मध्य प्रदेश के मार्केट को सर्वे किया हमने एक एक जो चैनल में जुड़े हैं अपने मार्केट की रैंकिंग में जो हम बात करते हैं चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं सभी से बात की किसी के पास ज़्यादा समय था उसने हमें बहुत अच्छे से समझाया किसी के पास कम समय था उसने हमें सिर्फ मुद्दे की बात बताई मुद्दा जो है वो है आने वाले कल में क्या हम बिजनेस कर पाएंगे क्या कोई दुकान कोई शोरूम इसलिए खोलेगा कि उसके पास ग्राहक आएगा क्या हमारा पैसा हमारा समय हमें उतना रिटर्न देगा जो लेटेस्ट ट्रेंड है दोस्तों वो है ग्राहक का दुकान तक ना पहुंचना उसके बीच में इतने हर्डल्स आ गए हैं इतने आकर्षण आ गए हैं कि वो ग्राहक को ऐसी बातें समझा देते हैं ग्राहक को ऐसी बातें बता देते हैं कि वो दुकान पहुंचने से पहले इतना अवेयर हो चुका होता है इतना उसको मालूमात होती है मीडिया इतना आगे है इस मामले में कि वो निगोशिएट कर लेता है और चूंकि हम एक शोरूम एक चैनल के हम हिस्से हैं हम निगोशिएट नहीं कर सकते यदि हम वो मार्जिन उस ग्राहक को दे देते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा सबसे बड़ी जो हमारे सर्वे में एक बात सामने आई वो आई ऑनलाइन जो परचेसिंग हो रही है ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है इसमें वही व्यक्ति बेच रहा है ओएलएक्स है जिसमें आप कभी भी अपना सामान बेच सकते हैं आप दुकानदार बन सकते हैं आपके पास कुछ चीज है आप उसको ट्विटर पर डाल सकते हैं और वो चीज जैसे ही वेबसाइट पे आएगी वो उसके ग्राहक आने लगेंगे तो यहाँ व्यक्ति अगर उसके पास कोई सामान है तो वो बेच सकता है दूसरा जो कंपनियां हैं उन्होंने केवल वेबसाइट बनाई और एक टाइप कर लेंगे हम आपका इतना माल बेच देंगे एक एश्योरेंस दे दिया और उस एश्योरेंस के बाद इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स भारत का मार्केट दे रहा है कि दुनिया भर की कंपनियां दुनिया भर के प्रलोभन दे रहे चीन किसी भी हद पर जाकर सामान बेचने के लिए तैयार है दोस्तों अभी आपको बहुत ही मालूम होगा चीनी कंपनी है Xiaomi कुछ लोग उसको Xiaomi भी बोलते हैं क्योंकि चीनी भाषा है आप जो आप उसको प्रोनाउंस कर रहे उन्होंने एक मोबाइल सेट मार्केट में लाया और उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई उन्होंने फिर से कोशिश करी चार बार पांच बार उसको डेट्स दी और उनके एक सम ऑफ अमाउंट जो मोबाइल सेट थे वो 2 सेकेंड में बिक गए अभी फिर वो 27 तारीख को अनाउंस किए उन्होंने डेट की तमाम 27 तारीख को 20,300 और ला रहे हैं और बेचेंगे दोस्तों 2 सेकंड में अगर कोई व्यक्ति भी नहीं है वहां पे एक सिस्टम है वो बेच रहा है और बहुत आश्चर्य की बात है कि फ्लिपकार्ट स्नैपडील ये ऐसे वेबसाइट संस्था वेबसाइट ग्रुप कुछ भी कह लीजिए अब तो अमेजन भी आ गया है भारत ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमें अब इनसे भी कॉम्पीट करना पड़ेगा यदि कोई बल्क में बहुत सारा सामान खरीद लेता है कि चलिए
शॉमी का जूमी का मोबाइल एम आई थ्री जो है वो हिट है, बिकेगा। चलो 2 लाख पीस में खरीद लेता हूँ। अभी 2 लाख पीस बने नहीं, 2 लाख का पेमेंट नहीं किया, अश्योरेंस दे दिया कि यस आई विल परचेज, और अनाउंस कर दिया कि डेट दे दी साहब आप तो आज बुक करिए, आपको 15 दिन बाद हम आपके घर पहुँचा देंगे। तो वो 2 लाख कस्टमर मार्केट से चले जाते हैं। दोस्तों ये 2 लाख कस्टमर ही हमारे चैनल को, जो रिटेलर है, गांव वाला है, गांव में दुकान खोल के बैठा हुआ है, छोटे शहर में दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो हमारे पास आकर हमसे डील करता था और हम कंपनी से डील करते थे, वो पूरा चैनल ध्वस्त हो गया। पिज्जा ऑर्डर करते हैं, फोन करते थे पिज्जा आ जाए। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके समाधान ढूंढने होंगे। हम क्या समाधान लेके आएंगे, हमारे पास क्या स्थितियां हो सकती हैं जिससे हम मार्केट में बने रहे। क्या हमें अपनी दुकान बदल देना चाहिए, क्या हमें अपना बिजनेस बदल देना चाहिए, क्या हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज ही मिलेगा। इसलिए हमने बहुत स्टडी करी है, बहुत सारे लोगों से बात की है, हमने डिंडोरी मंडला छोटे छोटे शहरों में जाके बात की है, और हमने अमेरिका में भी बात करी है, कैलिफोर्निया में भी बात करी है। हमारे उन सभी समाधानों को, उन सभी तथ्यों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम के हम आगे अगले चरण में बात करें और